अगर हम आज की डेट में स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें तो हम सिर्फ इन दो जायंट्स को ही देखते हैं, पहला एंड्रॉइड और दूसरा iOS, जिसमें एंड्रॉइड का मार्केट में 70% मार्केट शेयर है और वहीं iOS का 25%, बाकी 5% में कई और नॉट सो सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। कुछ साल पहले तक एंड्रॉइड iOS के साथ हम लोग विंडोज फोन का भी बहुत नाम लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये बिल गेट्स के बिगेस्ट फेलियर प्रोजेक्ट्स में से एक है। और कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि अगर बिल गेट्स ने ये गलतियां ना की होती तो आज विंडोज फोन का भी मार्केट में अच्छा खासा शेयर होता। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर किन वजहों से विंडोज फोन फेल हो गया। सबसे पहले तो बात स्टार्ट होती है जब स्मार्टफोन आया था, और ये कोई और नहीं बल्कि अपने स्टीव जॉब्स ही लेके आए थे, क्योंकि 2007 से पहले तक सभी फोन्स में स्क्रीन के नीचे कीपैड होते थे। चाहे फोन टच स्क्रीन हो या ना, कीपैड हमें सभी मोबाइल फोन्स में देखने को मिलते थे। तो स्टीव जॉब्स ने बोला कि अगर हमारे मोबाइल टच स्क्रीन ही है तो कीपैड की हमें क्या जरूरत है। और दोस्तों, फिर जॉब्स दुनिया के सामने 2007 में आईफोन लेके आए थे। अब आईफोन के इस यूनिक फीचर को कस्टमर से ज्यादा उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ध्यान से देख रहे थे कि यार ये कह तो सही रहे, अब इस छोटे से रेवोल्यूशन के कारण बाकी मोबाइल कंपनीज की फटने स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये फीचर लोगों द्वारा इतना पसंद किया जाने लगा था कि सभी शिफ्ट होने लगे बाकी फोन ब्रांड से सिर्फ आईफोन पे। अब मार्केट के सभी फोन ब्रांड्स पे प्रेशर था, इनको कस्टमर्स लूज करने का डर भी था, यहाँ तक कि गूगल को क्वालिटी कीबोर्ड फोन जिसपे वो 2 साल से काम कर रहे थे उनको वो तक जल्द से जल्द बंद करना पड़ा, क्योंकि भाई अब तो आ गया आईफोन तो क्या जरूरत है और चीजों पे एक्सपेरिमेंट करने की। फिर 1 साल के बाद गूगल अपना पहला स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड लेके आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HTC ड्रीम वर्ल्ड का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन था, जिसे 23 सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। अब अगर एप्पल की बात करें तो उनका हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक वो खुद ही बनाते थे, जिसके चलते उनका यूजर एक्सपीरियंस और क्वालिटी में पूरा कंट्रोल रहता था। इसका मतलब कि कोई और कंपनी iOS बेस्ड स्मार्टफोन्स नहीं बना सकती थी, और इसीलिए तो वो शुरुआत से ही अपने हर प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई ही रखते थे। और हाँ, उनका फोन क्वालिटी भी तो बेस्ट ही था, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो मोबाइल इंडस्ट्री का किंग भी बन चुका था। अब गूगल वालों की जल रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमेशा हमसे आगे थोड़ी ना रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज के साथ कोलैब करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सैमसंग, मोटरोला, ऑनर जैसे ब्रांड को बोला कि आप अपने अपने फोन में मेरा OS डालो, मैं आपसे बहुत ही कम पैसे चार्ज करूंगा। मार्केट में और ऑप्शन ना होने के कारण इस ब्रांड को ये प्लान अच्छा लगा। अब देखो, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग थे, एक iOS कैटेगरी प्रीमियम और महंगे फोन खरीदने वाले, और दूसरी एंड्रॉइड कैटेगरी सस्ते और बजट फोन खरीदने वाले। और अब एंट्री होती है टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके पास मोबाइल डिवाइसेस बनाने में एप्पल और गूगल से भी कई ज्यादा एक्सपीरियंस था। अब आप बोलोगे कि ये कब हुआ, तो दोस्तों 1996 में ही बिल गेट्स ने मिनी कंप्यूटर इन्वेंट कर दिया था। ये हैंडहेल्ड पीसी काइंड ऑफ आज के स्मार्टफोन जैसा ही था, फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड, 480x240 रेजोल्यूशन टच स्क्रीन, 4MB रोम, और यहाँ तक कि 2MB एक्सपेंडेबल रैम के साथ भी आता था। ये विंडोज सी नाम के OS पे ही चलाया जाता था। इस स्मार्टफोन जैसे दिखने वाले मिनी कंप्यूटर पे विंडोज सी नाम का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस टाइम के मार्केट में मानो ये सबसे पहला प्रोडक्ट ही था, जिसके चलते छोटे मोटे मोबाइल ब्रांड्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फोन में डाल के चोरी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी बिल गेट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो उल्टा बढ़ावा दिया कि जाओ फ्री में इस OS को यूज करो। फिर उन्होंने उस OS का नाम भी विंडोज मोबाइल में चेंज कर लिया। अब दोस्तों सुनो, बिल गेट्स के इसी स्ट्रेटेजी से बिना बात के, बिना कोई और मार्केटिंग में पैसा खर्च किए 2007 से पहले ही उनका दुनिया में 15% मार्केट शेयर था। इसी अर्ली पॉपुलैरिटी से माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और उस टाइम के माइक्रोसॉफ्ट CEO स्टीव बॉलमर ने तो ये तक कह दिया कि यार इस आईफोन में फिजिकल कीपैड तो है नहीं, तो आप लोग ये देखना कि ये जल्द ही जल्द 100% फेल हो जाएगा, और हाँ, हमें इन एप्पल वालों से कोई खतरा नहीं। लेकिन गाइस, आज हम सब जानते हैं कि 100% कौन फेल हो चुका है। अब बात फिर शुरू होती है 2007 के बाद की। गूगल और एप्पल ने फुल टच स्क्रीन लाके मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया था, लेकिन दूसरी तरफ एक टाइम पे मार्केट को लीड करने वाले फोन ब्रांड्स जैसे ब्लैकबेरी और माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफ दिन पर दिन गिरते ही जा रहे थे। फिर कुछ महीनों बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों को थोड़ी अकल आई कि हाँ यार, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं, तो हमें कुछ नया करना चाहिए। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल और एप्पल को बीट करने के लिए अपना भी फुल डिस्प्ले टच स्क्रीन फोन बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उन्हें 10 साल मोबाइल मैन्युफैक्चर करके एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं मिले तो उन्होंने वो फाइनली बंद कर दिया। लेकिन अब ये तो है माइक्रोसॉफ्ट, किसी को आगे थोड़ी ना देख सकते हैं, तो इन्होंने 2010 में अपनी सारी गलतियों से सीख के एक ऐसा एडवांस स्मार्टफोन लॉन्च किया कि वो सच में एप्पल और गूगल के फोन से बहुत मस्त था। लेकिन पता नहीं क्यों विंडोज फोन को कभी उतनी सक्सेस मिली नहीं जितनी वो डिजर्व करते थे। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को साफ साफ बोल दिया था कि देखो, जिस जिस फोन में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, उसकी हार्डवेयर हाई क्वालिटी की होनी चाहिए,
मतलब उन्होंने अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर दिए थे कि यार इससे कम मत जाना। हार्डवेयर मतलब यही कि वो छूने में कितना प्रीमियम लगता है, उसका डिस्प्ले कितना मजबूत है। और पता है यही करके माइक्रोसॉफ्ट को फायदा भी बहुत हुआ, क्योंकि जो एप्पल फोन मार्केट में लीड कर रहा था प्रीमियम हार्डवेयर क्वालिटी की वजह से, विंडोज फोन ने उसे बहुत हद तक टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी एडवांस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की वजह से विंडोज फोन डूब गई थी। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन था। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अच्छी बात है ना प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी के हार्डवेयर यूज करना। लेकिन गाइस प्रॉब्लम तब आई जब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि हाई क्वालिटी के हार्डवेयर यूज करना उन्हें काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, क्योंकि इनकी मजबूरी थी कि वो सस्ते क्वालिटी के डिस्प्ले ये सब यूज नहीं कर सकते थे, तो उन्हें ओवरऑल सब मिला के प्रॉफिट बहुत कम होता था। फॉर एग्जाम्पल मोटरोला ने विंडोज ओएस यूज करके अपना स्मार्टफोन 10,000 का बेचा, लेकिन प्रीमियम हार्डवेयर यूज करने की वजह से उन्हें खुद सिर्फ एक स्मार्टफोन बनाने पे 7,000 लग गए, तो प्रॉफिट तो बहुत कम हुआ ना। तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन के साथ जाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन था गूगल का। गूगल ने बोला कि देखो यार तुम्हें कैसा भी स्मार्टफोन बनाना है बना लो, घटिया हो महंगा हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपने अपने फोन में एंड्रॉइड डालो, और अगर तुम्हारा फोन बेकार निकला तो ऑब्वियसली तुम्हारी गलती है। मोस्ट ऑफ दी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को गूगल की इस बात में दम लगा और उन्होंने एवरेज कॉस्ट में एंड्रॉइड फोन्स बनाना शुरू कर दिया। सोचो माइक्रोसॉफ्ट के पास सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन फिर भी अपनी जिद की वजह से सबने उनका साथ छोड़ दिया। अब इनकी कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और अब इनकी सारी उम्मीद थी नोकिया से। सितंबर 2010 में नोकिया के सीईओ स्टीफन इलोप ने कहा कि अब वो नोकिया के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन को बंद करके विंडोज पे काम करेंगे। और इस अनाउंसमेंट के एक साल के बाद नवंबर 2011 में उन्होंने अपना पहला विंडोज स्मार्टफोन लुमिया 800 और लुमिया 710 को लॉन्च किया। लेकिन अब सवाल आता है कि अचानक से एक डूबती हुई ऑपरेटिंग सिस्टम को ही नोकिया ने क्यों चुना। यही सवाल उस वक्त ट्रेंडिंग पे चला गया कि व्हाई नोकिया इज हेल्पिंग विंडोज फोन। दोस्तों ये हमारे दिमाग से जाना नहीं चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन फेल हो रहा था, उनकी कंपनी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट तो बाकी चीजों से अच्छा खासा पैसा छाप रही थी। तो बिल गेट्स ने नोकिया के सीईओ के साथ मिलकर एक डील लिखी और उन्हें $250 मिलियन ऑफर किए कि स्टीवन भाई आप बस नोकिया में मेरा ओएस डालो, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर से लेके सेल तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और ये रहेगा एक सीक्रेट ही। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने विंडोज फोन को वापस लाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल होना उनकी किस्मत में ही नहीं है। साल 2011 के एंड में विंडोज फोन के फिर से फेल हो जाने पे इनका मार्केट शेयर 15 से सिर्फ 2% तक हो गया। यहाँ तक कि लोग भूलने भी लग गए कि विंडोज फोन कभी एग्जिस्ट भी करता था क्या। इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि इनके लिए कोई इंडिविजुअल डेवलपर या कंपनी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन तक नहीं बना रही थी कि फालतू की मेहनत क्यों करें, यूज तो वैसे भी कोई नहीं करेगा इसे। विंडोज फोन के पास तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐप भी नहीं था, इनका प्ले स्टोर ऑलमोस्ट खाली रहता था। विंडोज फोन के इस फेलियर की वजह से नोकिया के स्टॉक प्राइस 75% तक गिर गया था, जिसकी वजह से नोकिया के शेयर होल्डर्स और सीईओ स्टीफन इलोप ने माइक्रोसॉफ्ट से छुटकारा पाने की मांग की। शेयर होल्डर्स की इस नाराजगी को देखते हुए बिल गेट्स ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया। और कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद अक्टूबर 2017 में उन्होंने विंडोज फोन के एक्टिव डेवलपमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और तभी बहुत सारे इस फील्ड के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा पेशेंस रखा होता और अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और यूजर एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने के लिए जिद ना की होती, तो आज की डेट में एप्पल और एंड्रॉइड के साथ हम विंडोज फोन भी यूज कर रहे होते। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।